मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी। मेरे लगे जो गुरु घर बनिया तपस थान बुद्ध कर तपस स्थान बनाने तो बाद सोच सी के जंगल ही डिवेलप किया जाए, पर कुछ हिमाचल दिया संगत कुछ पठानकोट दिया संगत कह लगे ने इथे भी वड्डा जा कोई स्थान होना चाहिए। जिहड़ियां संगत उत्थे गईयां ने उह जानदियां ने पठानकोट दे विच ही इह स्थान है दूजा भी, पर पठानकोट तो बाहर है। नदी के एक पासे दरिया के एक ऐसे सेवक बनना होवेगा कि असी जिथे भी जाइए उथे ही स्वर्ग बन जाए। ते जेडे उन्हां दी गल नूं नहीं मन्नणगे, गुरु जी ने उन्हां दी भी गल कही, हर सो हीरा साड कै करे आन की आस, ते नर दोजक जाहेंगे सत पाखे रविदास। सतगुरु जी कहिंदे जो मेरे उपदेशां नूं नहीं मन्नेगा उहदा जीवन नरक बन जाएगा। वो जिथे भी जाएगा उत्थे ही नरक बना देगा, अपना जीवन ते उहदा नरक ही। नशिया च पिया है, आप गुनाह च पिया है, नरक वर्गी जिंदगी जी रहा है। वो जिथे भी जाएगा उत्थे ही नरक बना देगा। इसी तरह कुछ होर रब गुण ने कही, अपना तो जीवन उन्हों का नरक है ही, बुराइया के नाल वो जिथे भी जाएंगे उथे ही नरक तैयार कर लोगों नरकों वर्गी जिंदगी जीन लिए मजबूर बना। असी वो नहीं बन, असी वो बनना है, ऐसा प्रेम देना है, ऐसा प्यार देना है कि वह स्वर्ग महसूस करे कि वाकया मैं इहदे नाल मिल के स्वर्गां चा। हाँ, दूसरा साडे वर्गा नहीं हो सकता, जे कहीए सारे मेरे वर्गे हो जाण ऐ नहीं हुंदा, कदे नहीं हुंदा ते ना हो सकदा। साडा जीवन दुखदाई क्यों बनदा है जदों किसे नूं असीं अपने वर्गा बनाना चाहते हैं।